अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। प्रीवियसली हमने डीसी चॉपर डिस्कस करा था, जिसमें हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। देन फिर हमने स्टेप डाउन चॉपर का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया था। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और हमने लास्ट टाइम हमने जो आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन थी वो देखी थी कि इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होके आ रही है। हाँ, बस ई नॉट बराबर है ई डी सी टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ ई नॉट क्यू आर, बस एक्सप्रेशन के बराबर आ रहा है। बिकॉज आउटपुट वोल्टेज हमें उसी वक्त मिलेगा जब हमारे पास स्विच ऑन होगा। इट मीन जो ऑन टाइम है हम वही कंसिडर करते हुए आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अब इसी इक्वेशन को फर्दर आगे लेके जाते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ टी ऑन प्लस टी ऑफ आ रहा है। टी ऑन प्लस टी ऑफ एक्चुअली बराबर है किसके, टोटल टाइम के, जिसको हम चॉपिंग पीरियड का भी नाम दे रहे होते हैं। तो ये टी ऑन प्लस टी ऑफ जो है ये कुड बी रिप्लेस बाय टी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टी ऑन अपॉन टी जो आ रहा है दिस इज कॉल्ड ड्यूटी साइकिल और अल्फा। ड्यूटी साइकिल डिफाइन करें तो ये हमें बता रही होती है कि ऑन पीरियड कितना है किसी भी सिस्टम का। तो यहाँ पे हमारे पास जो टी ऑन अपॉन टी आ रहा है ये बराबर हो गया है अल्फा के। सो फ्रॉम हेयर हम देख सकते हैं कि ई नॉट बराबर हो गया ई डी सी डॉट अल्फा। अब हमारे पास इसी इक्वेशन में अगर हम देखें तो ई नॉट इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी इन टू ई डी सी। अब ये जो टी आ रहा है अगर हम इसको देखते हैं तो दिस इज टाइम, और फ्रिक्वेंसी जो है वो इन्वर्स ऑफ टाइम होती है, यानी कि वन अपॉन टी जो यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है दैट वन अपॉन टी कुड रिप्लेस बाय एफ। तो हमारे पास ई नॉट बराबर हो सकता है टी ऑन इंटू एफ इंटू ई डी सी, और फ्रिक्वेंसी जो है ये एक्चुअली कहलाएगी चॉपिंग फ्रिक्वेंसी। उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट की, तो एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट के लिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ अगर हम देखें तो आई नॉट हमारे पास बराबर होगा ई नॉट ओवर आर के। ई नॉट हमारे पास बराबर था ई डी सी इंटू अल्फा। तो वहाँ से हमारे पास आई नॉट की वैल्यू आ गई विच इज़ अल्फा डॉट ई डी सी अपॉन आर। देन अगर हम बात करें इफेक्टिव आर एम एस वोल्टेज की, तो आर एम एस वोल्टेज को अगर हम फॉर्मुलेट करेंगे तो वो हमारे पास जो इक्वेशन थी ई नॉट की उसी को यूज़ करते हुए होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, हम इसके ऊपर स्क्वायर प्लेस करेंगे और जो ई डी सी था उसके ऊपर भी क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा, और ओवरऑल यहाँ पे एक रूट अप्लाई हो रहा होगा। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ई डी सी पे स्क्वायर है, रूट ई डी सी पे इस पर अप्लाई करेंगे ई डी सी बाहर आ जाएगा, और टी एन ऑन अपॉन टी एल्फा के बराबर होता है तो हमारे पास ई नॉट आर एम एस बराबर हो गया ई डी सी रूट अल्फा के। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई स्टेप डाउन चॉपर की फॉर ई नॉट आर एम एस। अब इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल 8.1 है, जहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि डी सी चॉपर सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट डी सी सोर्स which supplies an inductive load having 40 milli henry in series with a resistance of 5 ohm. A freewheeling diode is placed across the load and the load current varies between 10 ampere and 12 ampere. यानी कि लोड करंट जो होगा, जो चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो मिनिमम उसकी वैल्यू 10 ampere है, मैक्सिमम हो जाएगा 12 ampere. और हमें फाइंड आउट करने को बोला है टाइम रेशियो ऑफ द चॉपर। टाइम रेशियो ऑफ द चॉपर से मुराद यहाँ पे क्या है, तो टाइम रेशियो एक्चुअली होगा हमारे पास टी ऑन ओवर टी ऑफ, यानी कि जो अभी हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे ड्राइव की हुई हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हमें एक्चुअली टी ऑन अपॉन टी ऑफ फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। अब उस पॉइंट पे जाने से पहले अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें फ्रॉम फाइंडिंग आउट एवरेज लोड करंट, तो एवरेज लोड करंट निकालने के लिए हमारे पास, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दी हुई है, इसको अगर हम एवरेज आउट कर लें यानी कि I1 प्लस I2 अपॉन 2,
टोटल करंट जो भी उसका एवरेज ले लिया, तो यहाँ से हमें मिल गई एवरेज वैल्यू कितनी, 11 एम्पीयर। उसके बाद अगर हम देखेंगे यार मैक्सिमम वैल्यू सर्किट में करंट की कितनी हो सकती है, तो वो हम यूजिंग ओम्स लॉ निकाल सकते हैं, यानी कि आई इक्वल टू ई डी सी अपॉन आर। ई डी सी है हमारे पास 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 5, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो कि लोड करंट की हो सकती है वो है 20 एम्पीयर, यानी कि ये वो करंट है जो कि ओवरऑल सर्किट में सर्कुलेट हो सकता है एट मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने जाएं, तो प्रीवियसली हमारे पास फॉर्मूला था ई नॉट एवरेज का, ई डी सी इंटू टी ऑन अपॉन टी, बट राइट नाउ वी डोंट हैव टी ऑन और कैपिटल टी। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए अब हम यहाँ ये करेंगे कि ऑन टाइम एक्चुअली वो टाइम था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, करंट चार्जिंग की तरफ जा रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे टी ऑन की जगह एवरेज करंट ले लूँ, और जो नीचे टी ऑन प्लस टी ऑफ था यानी कि टोटल टाइम था, उधर मैं अगर टोटल करंट ले लूँ सर्किट का, तो यहाँ से भी हमें क्या होगा, ई नॉट एवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ई नॉट एवरेज आ गया 55 वोल्ट, क्योंकि हमने एवरेज वैल्यू लोड करंट यूज़ करते हुए वोल्टेज निकाला है, इसी वजह से इसको हम लोग एवरेज वोल्टेज का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ई नॉट एवरेज की अगर हम पुरानी एक्सप्रेशन रिकॉल करें, तो वो थी हमारे पास ई डी सी इंटू टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ। अब क्योंकि हमें यहाँ पे टी ऑन अपॉन टी ऑफ एक तरफ चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे ई डी सी को एक तरफ ले आऊँ, तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से रह जाएगी। देन ये वैल्यूज़ मुझे गिवन है, मैं इनकी वैल्यू निकाल लूँ के 0.55 आ जाएगी। देन फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो अगर मैं टी ऑन प्लस टी ऑफ को राइट हैंड साइड पे ले आऊँ कुछ इस तरह से, तो ये 0.55 टी ऑन प्लस 0.55 टी ऑफ हो जाएगा। अब 0.55 टी ऑन को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास 1-0.55 टी ऑन हो जाएगा, यानी कि 0.45 टी ऑन, और इधर हमारे पास 0.55 टी ऑफ। तो अब यहाँ से टी ऑन अपॉन टी ऑफ चाहिए था हमें, तो हम टी ऑन इधर ही रहेंगे, टी ऑफ यहाँ से नीचे ले आएंगे, और यहाँ से 0.45 को डिवाइड में ले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास टी ऑन अपॉन टी ऑफ की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज़ द रेशियो ऑफ ऑन करंट एंड ऑफ करंट। तो 0.55 ओवर 0.45 करेंगे, तो हमें यहाँ से क्या होगा, टाइम रेशियो ऑफ द चॉपर मिल जाएगा, विच इज़ 1.22। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल थी जो अभी हमने डिस्कस करी है, जिसमें हमें टाइम रेशियो फाइंड आउट करने को बोला हुआ। नाउ लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल को अगर हम देखें, तो दिस एग्जांपल इज मोर लाइक अ डेरिवेशन, वो इस वजह से बिकॉज वी डोंट हैव एनी एक्चुअल वैल्यू हियर। हमारे पास अगेन एक चॉपर का सर्किट दिया हुआ है, और यहाँ भी SCR बेस्ड चॉपर है, फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड है, लोड रजिस्टर लगा हुआ है, वी डोंट हैव इंडक्टर है। अब हमें इसमें बोला हुआ ये है कि इस सर्किट को देखते हुए इन वेरिएबल्स को हम लोग क्या करें, ई डी सी आर अल्फा को एवरेज आउटपुट वोल्टेज एंड करंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, देन इंस्टेंट आउटपुट करंट की फॉर्म में शो करें, देन एवरेज एंड आर एम एस फ्री व्हीलिंग डायोड करंट की फॉर्म में शो करें, उसके बाद आर एम एस वोल्टेज और आर एम एस करंट शो करें। तो अगर मैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज की बात करूँगा, तो सेम सर्किट, सिर्फ इंडक्टर नहीं है, बाकी पूरा सर्किट ऑपरेशन वही होगा जो कि स्टेप डाउन चॉपर का है। तो इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज वही रहेगा, ई नॉट इक्वल टू ई डी सी टी ऑन अपॉन टी। एवरेज आउटपुट करंट की बात करेंगे, आई नॉट एवरेज ई नॉट अपॉन आर, ई नॉट हमारे पास ये रहा, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। आउटपुट करंट एट द इंस्टेंट ऑफ कम्यूटेशन बात करेंगे, तो ये हमारे पास वो मैक्सिमम करंट है जो कि हमारे पास ऑब्जर्व हो सकता है, तो वो हमारे पास ई डी सी अपॉन आर होगा, जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने देखा था। देन फ्री व्हीलिंग डायोड की बात करें, तो यहाँ पे क्योंकि वी डोंट हैव इंडक्टर है, जब इंडक्टर नहीं है, तो यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड का इफेक्ट नहीं आएगा रेजिस्टर लोड के अक्रॉस। इस वजह से हमारे पास इस सर्किट के अंदर फ्री व्हीलिंग डायोड करंट जीरो होगा, बिकॉज वी डोंट हैव इंडक्टर है। उसके बाद आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कंसिडर करें, तो ये भी सेम उसी तरह निकलेगा जो हमने पहले निकाला था,
और वहाँ पे हमारे पास ट्राइव होके आया था रूट अल्फा इन टू ई डी सी। उसके बाद एवरेज थायरिस्टर करंट की बात करेंगे तो थायरिस्टर के अक्रॉस वही करंट होगा जो कि आपके लोड के अक्रॉस है, तो वो अल्फा ई डी सी ओवर आर ही होगा जो कि आई नॉट एवरेज करंट था। आर एम एस थायरिस्टर करंट की हम बात करेंगे तो अगर हम मैक्सिमम करंट का स्क्वायर ले लें और डॉट अल्फा करके उसका रूट अप्लाई कर दें, यानी कि यही इक्वेशन ले लें, तो घूम फिर के हमारे पास आर एम एस थायरिस्टर करंट भी सेम आएगा, बिकॉज यहाँ पे सीरीज सर्किट जब बना हुआ है ये, तो इसमें हमारे पास आर एम एस और एवरेज करंट दोनों सेम ही कंसिडर होंगे। सिर्फ एक रूट की कंडीशन हमारे पास आ रही होगी जो कि आर एम एस वैल्यू के अंदर आ रही होती है, रूट अल्फा। यहाँ पे भी देखें रूट अल्फा आ रहा है, इधर पर जस्ट एक रूट अल्फा आया, बाकी वो ई डी सी अपॉन आर ही यहाँ पे आ रहा है। देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में हमें बोला हुआ है स्टेप डाउन डी सी चॉपर हैज़ अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 15 ओम एंड एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। व्हेन द चॉपर रिमेन्स ऑन इट्स वोल्टेज ड्रॉप इज 2.5, यानी कि जब चॉपर ऑन होगा एट दैट पॉइंट हम जो भी सप्लाई दे रहे होंगे उसका कुछ पार्ट ड्रॉप होगा, वो कुछ पार्ट कितना है 2.5 वोल्ट ड्रॉप होके रिमेनिंग सप्लाई आगे जाएगी। चॉपर फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 1 किलोहर्ट्ज और ड्यूटी साइकिल दी हुई है 50%, यानी अल्फा 50% दिया हुआ। फर्स्ट पार्ट में बोला है फाइंड आउट एवरेज आउटपुट वोल्टेज, देन सेकंड पार्ट में आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, थर्ड में है चॉपर एफिशिएंसी और फिर लास्ट पार्ट में है इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ चॉपर। डाटा अगर हम देखते हैं वी हैव ईडीसी इक्वल टू 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस 15 ओम है, अल्फा 0.5 है, वीडी दिया हुआ है 2.5, या ईडी या वीडी कह लें, फ्रिक्वेंसी दी हुई 1 किलोहर्ट्ज़, इससे हम कैपिटल टी निकाल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट विच इज़ एवरेज आउटपुट वोल्टेज। एवरेज आउटपुट वोल्टेज की अगर हम बात करें, यानी कि ई नॉट एवरेज की बात करें, तो ई नॉट एवरेज हमारे पास बराबर था ई डी सी इंटू एल्फा। बट यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि जब ये ऑन हो रहा है एट दैट टाइम इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा 2.5 वोल्ट। इट मीन्स ई डी सी कम्प्लीटली आउटपुट पे नहीं जा रहा होगा बल्कि 2.5 वोल्ट माइनस हो के आउटपुट पे जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ई नॉट बराबर होगा अल्फा डॉट ई डी सी की बजाय अल्फा डॉट ई डी सी माइनस ई डी। तो यहाँ से हमें क्या होगा, वो वोल्टेज मिल जाएगा जो एक्चुअली आउटपुट पे जा रहा होगा आफ्टर वोल्टेज ड्रॉप। तो इस तरह से हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिल गया विच इज 98.75 वोल्ट। देन आरएमएस आउटपुट वोल्टेज की हम बात करेंगे तो आरएमएस आउटपुट वोल्टेज में हमारे पास अल्फा के ऊपर रूट आता था और उसके अलावा हमारे पास होता था ईडीसी। बट यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ईडी भी आ रहा है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, इस वजह से उसको भी हम यहाँ कंसिडर करेंगे, यानी कि ईडीसी माइनस ईडी। तो ई नॉट आरएमएस हमारे पास आ गया 139.653 वोल्ट। थर्ड पार्ट था हमारे पास सी पार्ट, वो था चॉपर एफिशिएंसी। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी हमारे पास होती है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। इट मींस फॉर चॉपर एफिशिएंसी वी नीड टू फाइंड आउट आउटपुट एंड इनपुट पावर। आउटपुट पावर की बात करेंगे तो जो भी हमारे पास आउटपुट के अक्रॉस आ रही होगी पावर, यानी कि इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट अगर कहें, तो हम लोग पी आर एम एस और आई आर एम एस जो आ रहा होगा वही हमारी आउटपुट पावर होगी, यानी कि पी नॉट बराबर होगा ई नॉट आर एम एस इंटू आई नॉट आर एम एस। ई नॉट आर एम एस की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास था रूट अल्फा ई डी सी, और आई नॉट आर एम एस की बात करें तो वो था रूट अल्फा ई डी सी अपॉन आर। ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे अगर प्लेस कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये अल्फा के ऊपर रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट अल्फा रह जाएगा, यहाँ पे ई डी सी स्क्वायर होगा और नीचे रेजिस्टेंस। तो ये तो आ गया हमारे पास आउटपुट पावर का फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस चॉपर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप भी कंसिडर हो रहा था विच इज 2.5 वोल्ट, तो हम इसी फॉर्मूले में बस जहाँ ई डी सी हमने यूज़ किया है इसकी अगर हम ई डी सी माइनस ई डी यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। अगर ये वोल्टेज ड्रॉप एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ ई डी यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि पी नॉट बराबर होगी अल्फा ई डी सी माइनस ई डी स्क्वायर ओवर।
तो यहाँ से हमें पावर आउटपुट मिल गई। अब बात करते हैं इनपुट पावर की। इनपुट पावर की अगर हम बात करें चॉपर की, तो इनपुट पावर हमारे पास वो पावर है जो कि ऑन टाइम में क्या हो रही थी, डिलीवर हो रही थी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें 1/T टोटल टाइम आ रहा होगा, देन यह लिमिट आ जाएगी 0 से T, यानी कि वो टाइम जहाँ तक इनपुट आपका जा रहा था, यानी जो टी है कैपिटल टी, इसकी अगर टी ऑन आएगा देन पावर का फॉर्मूला अगर हम देखें तो EDC × IS आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हमारे पास जब हम IS की बात करेंगे तो यहाँ पे EDC/R की बजाय हम लेंगे EDC − ED/R बिकॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। तो अब यहाँ पे अगर हम रिस्पेक्ट टू टाइम इसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि लोअर लिमिट अल्फा है, सॉरी जीरो है, और अपर लिमिट ऑन टाइम है, ऑन टाइम को मैं टी ऑन ले लूँ या फिर अल्फा टी ले लूँ, इट्स अ सेम थिंग, बिकॉज अल्फा हमारे पास बराबर था टी ऑन अपॉन टी के। तो अगर मैं यहाँ पे टी ऑन की जगह अल्फा टी लिखता हूँ तो इट्स अ सेम थिंग। देन रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करना है, पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ बाहर आएगा, और यहाँ पे रिस्पेक्ट टू टाइम 1 आ रहा है यानी कि टी आ जाएगा, उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे अल्फा टी माइनस 0। जब यहाँ पे अल्फा टी आएगा तो यहाँ पे आप देखें बाहर अगर अल्फा टी आ रहा है, इधर भी एक टी था नीचे, तो ये टी और ये टी कैंसिल आउट हो जाएंगे और जस्ट अल्फा रह जाएगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ रही होगी हमारे पास। अब हमें इन सब की वैल्यूज़ पता हैं, तो फ्रॉम हेयर वी कैन हैव इनपुट पावर विच इज़ 1316.67 वॉट। अब यहाँ से हम इजिली चॉपर एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो इस तरह से हमें क्या हो गया, यहाँ पे चॉपर एफिशिएंसी फाइंड आउट हो गई। तो ये हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल थी, स्टेप डाउन चॉपर। इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो थ्रू ईमेल आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक और टॉपिक विच इज़ स्टेप अप चॉपर ऑपरेशन। स्टेप डाउन का हमने ऑपरेशन देखा, अब स्टेप डाउन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास स्टेप डाउन के अंदर अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज की बात करें तो वो हमेशा EDC से कम ही आएगा। इट मींस आपके पास अगर लेस देन इनपुट वोल्टेज आपको वोल्टेज आउटपुट पे चाहिए तब तक तो स्टेप डाउन चॉपर हेल्पफुल है, बट अगर आपको उससे ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट पे चाहिए देन वी मस्ट हैव अ स्टेप अप चॉपर जो कि आपको इनपुट से ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर सके। तो ये हमारे पास एक बेसिक सर्किट है स्टेप अप चॉपर का, इसको बूस्ट चॉपर का भी हम नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें प्रीवियस सर्किट के मुकाबले में, तो हमारे पास स्विच जो कि इंडक्टर की जगह पर आ रहा होता था अब वो इधर आ गया, और फ्री व्हीलिंग डायोड जो है इंडक्टर की प्लेस पर आ गया। तो अब हम अगर इस सर्किट को स्टार्ट करें डिस्कस करना, तो हमारे पास सप्लाई आ रही है, इंडक्टर यहाँ पे है, द टाइम व्हेन दिस चॉपर इज ऑन, यानी कि ये स्विच हमारे पास मेक होगा, एट दैट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा, इस लूप के अंदर ये इंडक्टर चार्ज होता रहेगा और एट दैट पॉइंट आउटपुट पर कुछ नहीं जा रहा। अब जब हम बात करेंगे ऑफ टाइम, जब हम इसको ऑफ करेंगे तो अब क्या होगा, इंडक्टर चार्ज हो चुका होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ये होल्ड कर रहा होगा। अब जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे EDC और फिर ये वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेजेज एक्चुअली इस डायोड से होते हुए लोड पे जाएंगे। इट मीन्स हमारे पास आउटपुट पे जस्ट EDC नहीं आएगा बल्कि हमारे पास आउटपुट पे EDC + EL दोनों ही आउटपुट पे आ रहे होंगे, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ऑन टाइम कि हमारे पास कितना ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट पे आ सकेगा। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि वर्किंग फॉर्मूला इसका क्या होगा। तो अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की एक्सप्रेशन की बात करूंगा तो जैसे कि अभी बताया कि E0 हमारे पास होना चाहिए EDC + EL, E0 बराबर होना चाहिए EDC + EL बिकॉज ये वोल्टेज और ये दोनों हमारे पास लोड के अक्रॉस जाएंगे बिकॉज इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा। अब EL की हम बात करें तो EL बराबर होता है LdIdt। अब जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, यहाँ पे इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगी।
अब अगर हम बात करें एनर्जी की ऑन टाइम में, तो मैं यहाँ पे इनपुट एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूँ डब्ल्यू इन बराबर होगा ई डी सी आई एस इंटू टी ऑन। पावर की बात करें पी इक्वल टू वी आई होता है, तो यहाँ ई डी सी आई एस पावर का आ रहा है। हम एनर्जी की बात करें तो हमें ऑन टाइम करना, तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी आ गई एट टी ऑन। देन अगर हम बात करें टी ऑफ की, कि जब स्विच ऑफ है उस टाइम एनर्जी किस तरह रिलीज हो रही होगी, तो वो एनर्जी हमारे पास क्योंकि हम इंडक्टर को फॉलो करते हुए देख रहे हैं और हमें पता है ई नॉट बराबर है ई डी सी प्लस एल डी आई ओवर डी टी। तो यहाँ पे ई एल एक्चुअली बराबर कितना होगा ई नॉट और ई डी सी लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, तो ई नॉट माइनस ई डी सी बराबर हो जाएगा ई एल के। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें ऑफ टाइम में, तो हमारे पास एनर्जी जो रिलीज हो रही होगी वो होगी ई नॉट माइनस ई डी सी, यानी कि ई एल आई एस टी ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ई एल आ रहा होगा, ई एल की वैल्यू क्या है, तो ई एल की वैल्यू हमारे पास है ई नॉट माइनस ई डी सी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ऑफ टाइम में जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी उसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक अजम्पशन ये रखते हैं कि दिस इज आवर लॉसलेस सिस्टम, इट मीन्स देर विल बी नो लॉसेस इन बिटवीन, यानी कि जो आपकी पावर हमारे पास यहाँ पे होल्ड होगी जो एनर्जी, वही एनर्जी क्या होगी बाद में रिलीज हो रही होगी। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि इनपुट एनर्जी या फिर टी ऑन एनर्जी के टाइम जो एनर्जी है वो बराबर होगी टी ऑफ के बराबर, यानी कि जो एनर्जी टी ऑन में वो होल्ड करेगा वही रिलीज करेगा टी ऑफ के टाइम। इस हिसाब से हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आई एस और आई एस अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं। एंड देन अगर मैं जस्ट ई नॉट फाइंड आउट करना चाहूँ तो बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ ले आऊँगा, तो मेरे पास ई नॉट की एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें टी ऑन प्लस टी ऑफ अपॉन टी ऑफ आ रहा है, टी ऑन प्लस टी ऑफ की अगर हम बात करें तो ये बराबर होता है टी के, कैपिटल टी। इसी तरह अगर हम बात करें टी ऑफ की, तो टी ऑफ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं टी माइनस टी ऑन। अब हमारे पास जो टी आ रहा है, अगर मैं इस टी को नीचे ले आऊँ तो ये टी क्या होगा, इस वाले टी से डिवाइड होगा और टी ऑन से भी डिवाइड होगा। ये काम करने का मकसद ये था कि यहाँ पे वन आ जाएगा और यहाँ पे टी ऑन अपॉन टी आ जाएगा जो कि बराबर होता है अल्फा के। तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या होगा, ई नॉट बराबर हो जाएगा ई डी सी अपॉन वन माइनस अल्फा। अब इस कंडीशन में अगर मैं अल्फा की वैल्यू को देखता हूँ, तो अगर मेरे पास अल्फा जीरो होगा तो एट दैट पॉइंट ई नॉट बराबर होगा ई डी सी के, और अगर मेरे पास अल्फा वन होगा तो ई नॉट बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी कि हम यहाँ पे अल्फा को वेरी करेंगे फ्रॉम जीरो टू वन। तो ये हमारे पास एक रेंज आ गई है अल्फा की ड्यूटी साइकिल की फ्रॉम जीरो टू वन, एंड जीरो टू वन हमारे पास क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज वेरी करेगा फ्रॉम ईडीसी टू इन्फिनिटी। अब ये जो यहाँ पे हमारे पास स्टेप अप चॉपर का ऑपरेशन हम अभी डिस्कस करा है, ये सेम कंडीशन हमारे पास रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर भी अप्लाई हो रही होती है। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर, कि हमारे पास जो एक्सेसिव एनर्जी क्या होती है रिलीज हो रही होती है, वो एक्चुअली क्या होती है, वो वापस सिस्टम में एडअप हो जाती है। तो वो कंडीशन हमारे पास उस वक्त आती है जब ई नॉट ई डी सी प्लस ई एल इंक्रीज कर जाता है किससे, ई नॉट से। तब जो एक्सेसिव एनर्जी यहाँ पे आ रही होती है, यानी कि आउटपुट जो यहाँ इसका समीशन है वो अगर ई नॉट से बराबर ज़्यादा है, इट मीन जितना भी वो ज़्यादा होगा वो एडिशनल जो होगी वो एक्सेसिव एनर्जी या रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होगी। तो उस वो चीज़ फिर हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ हम लोग फिर डिफरेंट सिनेरियो में यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो ये अभी हम यहाँ पे इसको स्टेप अप चॉपर की कंडीशन यहीं तक इसके डेरिवेशन देखेंगे। इसके बाद अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिसमें हम लोग जो बेसिक इसका फॉर्मूला ये अप्लाई कैसे होगा वो देखेंगे। तो अगर अब हम बात करें स्टेप अप चॉपर की, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, स्टेप अप चॉपर यूज टू डिलीवर लोड वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट
from a 220 volt DC source. If the clocking period of thyristor, any off period of thyristor is 80 microsecond, find out the required pulse width. पल्स स्पीड यानी कि ऑन टाइम हमें फाइंड आउट करना है. फ्रॉम इक्वेशन हमें पता है ई नॉट बराबर है ई डी सी टी ऑन प्लस टी ऑफ अपॉन टी ऑफ. अब ये इक्वेशन कहाँ आ रही थी, तो भाई ये इक्वेशन हमारे पास ये आ रही क्योंकि हमें टी ऑन चाहिए. इस वजह से मैं ये एक्सप्रेशन यूज़ नहीं की बल्कि इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहा हूँ. अब ई नॉट हमें पता है, ई डी सी भी पता है, टी ऑफ भी हमें यहाँ पता है. तो हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को अगर एक तरफ ले जाते हैं तो एट दी एंड टी ऑन हमें मिल जाएगा विच इज 101.6 माइक्रो सेकेंड. ठीक है, तो ये एग्जांपल तक अभी हम इसको लिमिट रखते हैं. और यहाँ तक अगर कोई भी कंफ्यूजन में हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप थ्रू ईमेल या ड्यूरिंग क्यूरी सेशन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू.